न्यू अकाउंट में फ्री टूर्नामेंट एक ही महीना देता है, एक महीने के बाद अकाउंट चेंज। मैं आप लोगों को पैसा देके ताश खेलने को नहीं कहता, फ्री में ताश खेलो फ्री। मैं 3000 से ऊपर कमा लिया सिर्फ टूर्नामेंट खेल के, फ्री का टूर्नामेंट खेल के। कैसे कमाया ये देख लो, आपको दिखा देता हूँ। फ्री का टूर्नामेंट खेल के मैंने इतना सारा कमा लिया। अभी भी मेरे अकाउंट में 2000 के आसपास होने वाला है, क्योंकि मैं लॉगिन ज़्यादा दिन नहीं किया, अभी भी होगा मेरे अकाउंट में। आप देख सकते हो सिर्फ टूर्नामेंट का है, सिर्फ टूर्नामेंट का, सुपर खिलाड़ी टूर्नामेंट का है, उसके बाद पेशाल का टूर्नामेंट का है और क्लब का भी है। क्या क्या टूर्नामेंट देता है अभी जान लो। पहले आता हूँ क्लब में। क्लब हर मंगलवार को एक टूर्नामेंट देता है, 6:30 बजे ज्वाइन करना पड़ता है, 8 बजे खेलना पड़ता है। ये आधा घंटा का टूर्नामेंट होता है और इसमें मैक्सिमम प्राइज जो है 6000 या 7000, ठीक है, जो फास्ट होगा। नीचे भी प्राइज देता है वो याद नहीं है। उसके बाद आता हूँ पेशाल में। हर दिन ये पेशाल का टूर्नामेंट मिलता है, फ्री टूर्नामेंट मिलता है, टिकट पहले से ही मिल जाता है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, आपको प्राइज दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट प्राइज 6000, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक प्लेयर क्वालिफाई करता है हर राउंड में, लास्ट में इतना प्राइज मिलता है उन लोगों को। उसके बाद आता हूँ सैटरडे शोडाउन। अभी सैटरडे नहीं है इसलिए नहीं मिला। सैटरडे को एक टूर्नामेंट मिलता है, 3 बजे खेल होता है वो, उसमें भी ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, वो फ्री का टूर्नामेंट है। और उसके बाद बॉस टूर्नामेंट है, सुपर रमी खिलाड़ी। इसमें 3-3 करके क्वालिफाई करता है, फाइनल में जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप देख सकते हो फाइनल में कितना कितना मिलेगा, 9000, 6000, 4000, 3000, 2000। मैंने आप लोगों को 4 टूर्नामेंट फ्री में बताया, क्लब का टूर्नामेंट, पेशाल का टूर्नामेंट और सैटरडे राउंड टूर्नामेंट और सुपर रमी टूर्नामेंट। इन चारों टूर्नामेंट खेलो, सिर्फ टूर्नामेंट खेलो, कैश गेम मत खेलो। कैश गेम मतलब मैं कहना चाहता हूँ पॉइंट रमी, डी रमी, ये सब नहीं खेलना है, सिर्फ टूर्नामेंट खेलना है। मैं सिर्फ टूर्नामेंट खेल के ही कमाया। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है मुझे कि कितना कमाते हो, आज कितना कमाया, कल कितना कमाया, ऐसा नहीं होता है। हर दिन कमाऊँ, मैं ताश खेलने का मेरा आदत नहीं है। मैं सिर्फ देखता हूँ कब मेरे को अच्छा कार्ड मिले और मैं टूर्नामेंट खेलूँ। मेरा माइंड भी ये है सिर्फ फ्री का टूर्नामेंट, कब मेरे को अच्छा कार्ड मिले और टूर्नामेंट खेलूँ, सिर्फ टूर्नामेंट खेलूँ। मैं अगर हर दिन ये ताश लेके बैठा रहूँ तो फिर ये 3000 जो हुआ ना ये भी नहीं बचेगा। सिर्फ टूर्नामेंट खेलना है, कैश गेम नहीं खेलना है। ये पहले मैंने कितना ऐड किया था पता है, पहले मैंने 50 रुपीज़ ऐड किया था। 50 रुपीज़ ऐड करने के बाद एक कैश गेम खेला था, क्योंकि मेरे को ये क्लब का टूर्नामेंट नहीं मिल रहा था। एक कैश गेम खेलने से क्लब का टूर्नामेंट मिल जाएगा, उसके बाद सिर्फ टूर्नामेंट खेलो। ये हर दिन कमाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ टूर्नामेंट खेलो। बाकी और भी ऐप्स है, वहाँ पे मेरे को पता नहीं दे रहा है इसलिए नहीं खेल रहा हूँ। मेरे को ये पता है किस ऐप्स को कैसे यूज करना है, ये पता है। खेलना तो सभी को पता है, लेकिन किस ऐप्स को कैसे और कहाँ यूज करना है ये पता, ये सीख लो, तुम खेलना सीख जाओगे। मैंने आप लोगों को 4 टूर्नामेंट बताया, क्लब का टूर्नामेंट, पेशाल का और सैटरडे राउंड और सुपर रमी। ये 4 टूर्नामेंट फ्री का मिलता है। जब लॉगिन करोगे तब 50 रुपीज़ या 25 रुपीज़ जिसका जितना देता है उतना सिर्फ ऐड मनी कर लेना। उसके बाद एक कैश गेम खेलना, उसे ड्रॉप भी दे सकते हो। एक कैश गेम खेलने के बाद तुम और कैश गेम मत खेलना, सिर्फ टूर्नामेंट खेलना। तुमको 5000 से ज़्यादा एक महीने में हो जाएगा, मैं श्योर गारंटी देता हूँ। मैं हर महीने 5000 से ज़्यादा कमाता हूँ और फाइनल में पहुँच जाऊँगा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 4000-5000 हो ही जाता है मेरा अकाउंट में। जिन लोगों को लगता है सुपर रमी खिलाड़ी और ये रमी ऐप्स फेक है और रियल, ये कन्फ्यूजन रहता है, आप देख लो, सिर्फ टूर्नामेंट खेल के पैसा कमाया, उन लोगों को क्यों लगता है ये भी बता देता हूँ। उन लोगों को लगता है कि हर दिन वो ताश खेलता है, हर दिन हर समय ताश खेलते रहता है, इसलिए पैसा लॉस में जाता है, इसलिए उसको लगता है कि ये फेक है, यहाँ से कमाई नहीं जा सकता, पैसा मेरा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने विड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, विड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा जितना अमाउंट है उतना मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, थोड़ा सा 100 या 150 रुपया रख के विड्रॉ करूँगा, क्योंकि टूर्नामेंट मुझे नहीं मिलेगा उसके बाद। पूरा अमाउंट विड्रॉ करने से टूर्नामेंट नहीं मिलता है। और जितना ज़्यादा तुम कैश गेम खेलोगे उतना पत्ता अच्छा नहीं आएगा, ये बता देता हूँ। कैश गेम मत खेलना, नहीं तो मुझे मत बताना। ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि किसी को टूर्नामेंट नहीं मिल रहा है, सुपर रमी नहीं मिल रहा है, क्लब नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, उन लोगों का लॉगिन में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉगिन का एक पूरा कॉन्सेप्ट लाऊंगा, अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद लॉगिन करना, कैश गेम नहीं खेलना है।
और बैंक अकाउंट लास्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके पहले केवाईसी वगैरह सब कुछ कर लेना है। ठीक है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने। मैं विड्रॉ करने वाला हूँ 3, मैं इतना मनी विड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रख के ठीक है बैक कर लेता हूँ। अकाउंट किसी का अकाउंट नहीं दिया है तो यहाँ पे दे सकते हो, मेरा तो अकाउंट नंबर दे दिया है पहले से। उसके बाद विड्रॉ करने के बाद कन्फर्म मैसेज भी आएगा, कन्फर्म कर देता हूँ। प्रोसेस हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, पहले मैंने विड्रॉ नहीं किया, ये पहली बार मैंने विड्रॉ किया हूँ इससे। हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री आ गया, आप देख सकते हो। डिटेल्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। अंडा चेकिंग मतलब 2 से 4 दिन के अंदर ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ अमाउंट घट गया, 141 रुपया है मेरे पास।